नमस्कार, इन्फ्लुएंस टू बॉलीवुड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की आने वाली 13 फिल्मों के बारे में, जो कि साल 2020 से 21 के बीच रिलीज की जाएगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के सिंघम कहे जाने वाले अजय देवगन बॉलीवुड के एक चर्चित अभिनेता हैं और बहुत सारी फिल्में दे चुके हैं अब तक बॉलीवुड में, और एक से बढ़कर एक एक्शन फिल्में, लव स्टोरी फिल्में, कॉमेडी फिल्में भी दे चुके हैं, हर तरह की फिल्में दे चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी फिल्मों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले फिल्म है जो आने वाली है, जो हाल ही में रिलीज की जाएगी, वो है तानाजी। आपको बता दें कि फिल्म तानाजी का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है सोशल मीडिया पर। स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो बॉलीवुड के सिंघम नजर आएंगे, और सिंघम के अलावा इस फिल्म में शबली खान नजर आने वाले हैं। स्टार कास्ट अभिनेत्री के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म में काजोल देवगन नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन की पत्नी काजोल देवगन इस फिल्म में नजर आने वाली हैं। आपको बता दें कि ये फिल्म तानाजी 10 जनवरी 2020 को रिलीज की जाएगी आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। दोस्तों, दूसरी फिल्म के बारे में बात की जाए तो वो है भूज द प्राइड ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो बॉलीवुड के सिंघम नजर आएंगे अजय देवगन, और साथ ही साथ इस फिल्म में संजय दत्त नजर आने वाले हैं। अभिनेत्री के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा और बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री दबंगल सोनाक्षी सिन्हा नजर आएंगी। आपको बता दें कि ये फिल्म साल 2020 में रिलीज की जाएगी। दोस्तों, अगली फिल्म के बारे में बात की जाए तो वो है त्रिभंगा। जी हाँ दोस्तों, स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो बॉलीवुड के सिंघम नजर आएंगे, और त्रिभंगा में खुद उनकी पत्नी काजोल देवगन नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, काजोल देवगन और अजय देवगन की जोड़ी नजर आने वाली है फिल्म त्रिभंगा में। आपको बता दें कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। दोस्तों, साथ ही साथ ये भी बता दें कि ये फिल्म साल 2020 में आपको देखने को मिलेगी। फिल्म में डांस रोमांस के साथ साथ एक्शन सीन्स भी बड़े पैमाने पर फिल्म आए जाएंगे। दोस्तों, बात की जाए अगली फिल्म के बारे में तो जिस फिल्म का नाम है RRR। जी हाँ दोस्तों, RRR फिल्म होने वाली है। आपको बता दें कि ये फिल्म जो होने वाली है साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म मेकर SS राजामौली के डायरेक्शन में ये फिल्म बनाई जाएगी। स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म में साउथ से लेके बॉलीवुड तक धमाल मचाने वाले रामचरण नजर आएंगे, साथ ही साथ इस फिल्म में जूनियर NTR नजर आने वाले हैं। दोस्तों, बात की जाए अजय देवगन के बारे में तो अजय देवगन का इस फिल्म में बहुत ही जबरदस्त अहम किरदार होने वाला है। आपको बता दें कि ये फिल्म साल 2020 में रिलीज की जाएगी। दोस्तों, बात की जाए अगली फिल्म के बारे में तो जिस फिल्म का नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। जी हाँ दोस्तों, स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म में बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री आलिया भट्ट नजर आएंगी, साथ ही साथ इस फिल्म में अजय देवगन भी नजर आने वाले हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में खबरें हैं कि गंगूबाई काठियावाड़ी में अजय देवगन गंगेस्टर की भूमिका में नजर आएंगे। वैसे आपको बता दें कि फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ खास खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि ये फिल्म साल 2020 में दिवाली के शुभ अवसर पर रिलीज की जाएगी। दोस्तों, बात की जाए अगली फिल्म के बारे में तो जिस फिल्म का नाम है बैसू भावरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म संजय लीला भंसाली की ही रैसम बनाई जाएगी, और आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली ने हाल ही में दो फिल्म का अनाउंसमेंट किया जिसमें अजय देवगन नजर आने वाले हैं। जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहली फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी और दूसरी फिल्म है बैजू भावरा। बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस फिल्म यानी कि बैजू भावरा में जो अजय देवगन का जो किरदार होने वाला है वो तानसेन का किरदार होने वाला है। जी हां दोस्तों, ये चर्चित सिंगर बैजू भावरा के ऊपर के जीवन के आधारित इस फिल्म की स्टोरी होने वाली है, और इस फिल्म में अजय देवगन तानसेन की भूमिका में नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि ये फिल्म बैजू भावरा साल 2021 में दिवाली के शुभ अवसर पर रिलीज की जाएगी। दोस्तों, बात की जाए अगली फिल्म के बारे में तो जिस फिल्म का नाम है मैदान किक्स अप द डे। जी हाँ दोस्तों, मैदान मूवी के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म में बॉलीवुड के जो सिंघम अजय देवगन है वो एक होनहार कोच की भूमिका में नजर आएंगे। दोस्तों, साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा अभिनेत्री के बारे में तो इस फिल्म में बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री जानवी कपूर नजर आएंगी, और साथ ही साथ इस फिल्म में साउथ फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचाने वाली कृति सुरेश भी नजर आने वाली हैं। आपको बता दें कि कृति सुरेश साउथ फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री मानी जाती हैं। आपको बता दें कि कृति सुरेश इस फिल्म यानी मैदान से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं, और फिल्म की स्टोरी एक फुटबॉल खेल के ऊपर बनाई जाएगी। ये फिल्म साल 2020 में रिलीज की जाएगी। दोस्तों, बात की जाए अगले फिल्म के बारे में तो जिस फिल्म का नाम है द बिग बुल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें स्टार कास्ट के बारे में तो इस फिल्म में बॉलीवुड के जो अभिनेता है काफी लंबे समय के बाद नजर आएंगे, जिस अभिनेता का नाम है अभिषेक बच्चन। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक बच्चन नजर आएंगे, और उनके अपोजिट लीड रोल में एलियाना क्रूज को साइन किया गया इस फिल्म के लिए। और बात की जाए अजय देवगन के किरदार के बारे में तो अजय देवगन का इस फिल्म में
बहुत ही अहम किरदार होने वाला है। बताना चाहूंगा दोस्तों कि फिल्म की जो स्टोरी है थ्रिलर एक्शन से भरपूर होगी, एक्शन पैक मूवी द बिग बुल होने वाली है और ये फिल्म साल 2020 में आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। दोस्तों बात की जाए अगली फिल्म के बारे में, तो जिस फिल्म का नाम है चाणक्य। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य के बारे में बात की जाए तो आपको बताना चाहूंगा कि चाणक्य के बारे में ज्यादा कुछ खास खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन आपको इतना बताना जरूर चाहूंगा कि चाणक्य जो मूवी है वो साल 2021 में आपको देखने को मिल सकती है और फिल्म के स्क्रिप्ट वगैरह पर काम काफी जोर शोर से चल रहा है। दोस्तों सबसे खास बात इस फिल्म की ये है कि ये फिल्म दो पार्ट में बनाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म मेकर्स का कहना है कि इस फिल्म की जो स्टोरी है वो एक पार्ट में कंप्लीट नहीं की जा सकती है, जिसकी वजह से फिल्म चाणक्य को दो पार्ट में बनाया जाएगा। आपको बता दें कि ये फिल्म साल 2021 में रिलीज की जाएगी। दोस्तों बात की जाए अगली फिल्म के बारे में, तो जिस फिल्म का नाम है सूर्यवंशी। जी हाँ दोस्तों, सूर्यवंशी के बारे में तो अब तक आप जान ही चुके होंगे कि जैसा कि बॉलीवुड के इसमें तीन बड़े स्टार नजर आने वाले हैं। सबसे पहले स्टार हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और दूसरे स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो जो है बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन और तीसरे हैं बॉलीवुड के सिंह बा रणबीर सिंह। जी हाँ दोस्तों, ये बॉलीवुड के तीन बड़े स्टार इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये फिल्म जो बन रही है रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बन रही है और ये फिल्म साल 2020 में रिलीज की जाएगी। और बताना चाहूंगा कि फिल्म में डांस रोमांस के साथ साथ एक्शन सीन्स बड़े पैमाने पर फिल्म आई जाएगी और इस फिल्म में अजय देवगन का एक बहुत ही अहम किरदार होने वाला है फिल्म सूर्यवंशी में। दोस्तों बात करें अगली फिल्म के बारे में, तो जो कि काफी सुर्खियों में है, जिस फिल्म का नाम है गोलमाल 5। दोस्तों जैसा कि आप तो गोलमाल के सीरीज के बारे में तो जानते ही होंगे कि गोलमाल, गोलमाल रिटर्न और गोलमाल अगेन, गोलमाल 3 जैसे कई पार्ट। अब तक गोलमाल के 4 पार्ट आ चुके हैं और फिल्म के 5वें पार्ट के बारे में बात की जाए तो दोस्तों बॉलीवुड में इस फिल्म को लेकर के काफी चर्चा हो रहा है कि साल 2021 में ये फिल्म गोलमाल 5 आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों जैसा कि गोलमाल के अब तक जितने भी सीरीज आई हैं, हर सीरीज में अजय देवगन मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। काफी एंटरटेनिंग फिल्म की स्टोरी होती है, कॉमेडी ड्रामा फिल्म है गोलमाल 5 के जितने भी सीरीज अब तक आए हैं बॉलीवुड में, काफी धूम मचा है, काफी पसंद किए गए हैं। तो गोलमाल 5 भी इन दोनों सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है, यहाँ तक की फिल्म मेकर्स रोहित शेट्टी ने इस फिल्म का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। आपको बता दें कि ये फिल्म साल 2021 में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों बात की जाए अगली फिल्म के बारे में, तो जिस फिल्म का नाम है सिंघम 3। दोस्तों आपने तो सिंघम मूवी का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें अजय देवगन लीड रोल में नजर आए थे, एक होनहार पुलिस वाले की भूमिका में नजर आए थे और फिल्म में डांस रोमांस के साथ साथ एक्शन सीन्स बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे और फिल्म में अजय देवगन के किरदार को काफी पसंद किया गया था, जिसकी वजह से अजय देवगन को बॉलीवुड का सिंघम कहा जाने लगा। दोस्तों जब से फिल्म आई सिंघम के दोनों पार्ट जब तक बॉलीवुड में आए जभी और बॉलीवुड में काफी धूम मचाया, बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा खासा कलेक्शन भी किया फिल्म ने दोनों पार्ट ने अब तक, तो जिसकी वजह से अजय देवगन को बॉलीवुड का सिंघम कहा जाने लगा। तो बात की जाए तीसरे पार्ट के बारे में, तो आपको बताना चाहूंगा कि फिल्म का तीसरा पार्ट यानी कि सिंघम 3 साल 2021 में आपको देखने को मिल सकता है। वैसे आपको बता दें कि फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ खास खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इतना तय हो चुका है कि साल 2021 में सिंघम 3 आएगी। दोस्तों बात की जाए अगली फिल्म के बारे में, तो जिस फिल्म का नाम है जिगर 2। दोस्तों जिगर मूवी का नाम तो आपने तो बहुत काफी दिनों पहले सुना होगा, जिसमें डांस रोमांस के साथ साथ अजय देवगन को जो एक्शन लुक फिल्माया गया था, काफी अच्छी मूवी बनाई गई थी, फिल्म की स्टोरी बहुत ही एंटरटेनिंग थी। तो बात की जाए फिल्म के सीक्वल यानी कि जिगर 2 के बारे में, तो जिगर 2 को लेकर के सोशल मीडिया पर पिछले ही साल से काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, काफी चर्चाएं हो रही हैं। तो दोस्तों अंदाजा है कि ये फिल्म जिगर 2 साल 2021 में ही रिलीज की जा सकती है। वैसे आपको बता दें कि फिल्म का अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन इतना खुलासा कर दिया गया, इतनी खबरें हैं, ऐसे बॉलीवुड में खबरें हैं, सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं, तो जिससे ये प्रतीत होता है कि ये फिल्म साल 2021 में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप हैं कितना एक्साइटेड इन सभी फिल्मों के लिए, इन सभी फिल्मों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जाएं और जरूर बताएं। तो दोस्तों बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें अगर कुछ कहना चाहते हैं इन सभी फिल्मों के बारे में। धन्यवाद।